हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इन केस आप गाड़ी अपनी कंपनी के नाम से परचेज करते हैं तो आपको उसमें क्या बेनिफिट होते हैं। कंपनी के नाम से गाड़ी खरीदने का जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो ये होता है, गाड़ी जब भी आप कंपनी के नाम से खरीदेंगे तो बेसिकली वो आपकी कंपनी की एसेट का पार्ट बनती है। एंड इससे क्या होता है, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है। एंड नेटवर्थ बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पहले से बेटर है। अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ अच्छी होती है तो उस कंपनी को लोन इजीली मिल जाता है, तो इससे बेसिकली आपको लोन मिलने में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो भी आपके गाड़ी से रिलेटेड खर्चे होते हैं, लाइक इन केस आपने गाड़ी लोन पर ली है तो आपका जो इंटरेस्ट जाएगा, प्रिंसिपल जाएगा, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, पॉल्यूशन हो गया, गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, एंड गाड़ी में जो आप फ्यूल डलवाएंगे, पेट्रोल डीजल जो भी, वो सारा खर्चा आप कंपनी के अकाउंट से पे कर सकते हैं। तो इट मींस ये सारा खर्चा कंपनी का एक्सपेंस माना जाएगा, आपका पर्सनल एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो आपने गाड़ी खरीदी है वो कंपनी के नाम से ही खरीदी है एंड गाड़ी को आप बेसिकली यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो इससे कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा जो भी आपकी गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को आप ओवर द पीरियड एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी शो कर सकते हो। एंड देखिए, लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ डेप्रिसिएशन को समझने के लिए, लेट सपोज आपने कोई 20 लाख रुपए की गाड़ी ली तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 20 लाख का आपको 15% उस साल में एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर जो भी बैलेंस वैल्यू बचेगी उस पर 15% करके आप एक्सपेंस शो कर सकते हैं ओवर द पीरियड। एंड ये सभी एक्सपेंसेस कंपनी के रिकॉर्ड में दिखाने से क्या होगा कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड इनकम टैक्स जो बेसिकली लगता है कंपनी के नेट प्रॉफिट पे लगता है, एंड नेट प्रॉफिट कम होने से आपका टैक्स सेव भी होगा। एंड इसके अलावा जो लास्ट आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है GST ITC। देखिए, नॉर्मली सभी कंपनी को GST ITC नहीं मिलता है, स्पेशली गाड़ी के केस में, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ गाड़ी का भी ITC क्लेम किया जा सकता है, बट वो बहुत लिमिटेड है। लाइक इन केस आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, लाइक आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी को बेच देते हैं, या आप गाड़ी को एज ए पैसेंजर सर्विसेज में यूज़ कर रहे हैं, आप गाड़ी सिखाने का काम करते हैं, तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें GST का ITC मिलता है, अदरवाइज दूसरे केसेस में GST का ITC नहीं मिलता है। तो फॉर मोर क्लैरिटी, GST का ITC मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके रिगार्डिंग आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। इन केस गाड़ी का ITC नहीं मिलना था, आपने ले लिया अननेसेसरी, तो आपको कल को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स थे जो कंपनी के नाम पे गाड़ी खरीदने में मिलते हैं। तो मैं भी पर्सनली आपको यही एडवाइस करूँगा कि जब भी आप गाड़ी परचेज करें एंड आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी के नाम से भी परचेज कर सकते हो, तो ऑलवेज ट्राई कि कंपनी के नाम से ही आप गाड़ी निकालें। एंड लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा, देखिए गाड़ी तो आप कंपनी के नाम पे खरीद लेंगे बट जो बाद में एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक इंश्योरेंस हो गया, पॉल्यूशन हो गया, आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो मेक श्योर उन एक्सपेंसेस का बिल आप अपनी कंपनी के नाम से ही बनाते हैं, क्योंकि कंपनी के नाम से बिल होगा तभी आपको उन एक्सपेंसेस को कंपनी में दिखाने में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सारे बिल कंपनी के नाम से लेते हैं एंड मेक श्योर कि उन एक्सपेंसेस की पेमेंट आप कंपनी के अकाउंट से ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।